छोरी नहीं बैठी अभी तक, कैसे और जोर से चिल्लाऊं मां, अभी जान दूं क्या, प्राण निकल जाएंगे अभी। पूरी क्लास सीधे बैठने के बाद में अभी क्या बोलेगी, गुड मॉर्निंग, सॉरी गुड गुड आफ्टरनून, आई जस्ट स्लिप्ड माय गुड मॉर्निंग सॉरी। सो जल्दी से अभी एक झकास वाली एकदम प्यारी वाली स्माइल लेके आओ थोड़े पर। तुमको आज एक अंदर की बात बताऊं क्या, 16 सोमवार करने से कुछ नहीं होता है, अ स्माइल कैन डू अ लॉट बेटर, सो कीप स्माइलिंग, ओके। यस, सो रसगुल्ले बच्चों, आज की चर्चा का विषय यह है कि पहले बता दो नए नए मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्ले कौन कौन आए आज, अपनी अपनी जगह पे खड़े हो जाए, जो जो रसगुल्ला नया है चलो लाइक गदरा। ए गुंडी तू नहीं है सीरियसली, पर तू तो कल भी थी, फिर नहीं कैसे, तो अच्छा कल फर्स्ट डे था, हाय रब्बा तभी मैं सोचूं कि तू ऐसे क्यों बिहेव कर रही थी कल। अभी किसी को शू पॉटी नहीं लगेगी, मैं पहले बोल रहा हूँ। ए यार उधर बाहर बंद कर यार, कोई नहीं आएगा अंदर अभी मेरे बोलने के पहले, मेरे को इतना कन्फ्यूजन होता है कि कौन कहा। हाँ पाजी, जो जो नए बच्चे आए आप सभी लोगों का स्वागत है, ढेर सारा स्वागत आपका एसपीसी में। आपको एक चीज रखनी पड़ेगी दिमाग में कि आप, ए अभी कोई आवाज नहीं करेगा नलायको, बेशरम, चौप चौप। हाँ मैं आप सभी लोगों से ये दरख्वास्त कर रहा था कि दो तीन कष्ट आपके साथ में है, एक तो आपको खाना पसंद नहीं आएगा ज्यादा, मतलब घर से कंपैरिजन में खाना नहीं पसंद आएगा क्योंकि ये प्रॉब्लम है। मुझे बोलने दो, तुम नहीं बोलोगे, मैं टीचर हूं, मैं मुझे बोलने दो, ये बाकी के लोग नलायक हो गए अभी। हाँ मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा मुश्किल होगा, थोड़ा सा आपको एडजस्ट होने में टाइम लगेगा, और साथ साथ सिलेबस भी फास्ट पेस में ही चलेगा अभी क्योंकि आपका अटेम्प्ट सितंबर होने की वजह से। इसका मतलब ये नहीं कि आपको समझ भी नहीं आएगा, वी आर ऑल देयर फॉर यू ऑल, बट प्लीज़ आपको एक थोड़ा सा कॉपरेशन के मोड में आना पड़ेगा, और जल्दी से अपने कॉन्फिडेंस को फेंकना नहीं है, हथेली पर रखना नहीं है, ठीक है। अभी जो ये बैच है, इस बैच में जो हमने सिलेबस कंप्लीट कराया एज फार एज अकाउंट्स इज कंसर्न, वी हैव जस्ट कंप्लीटेड दी सब्सिडरी बुक पोर्शन, यस और नो, और बाकी कोई विशेष किया नहीं है। अगर आप में से कोई साइंस बैकग्राउंड है तो आपको तकलीफ आएगी, नहीं अब अल्लाह अब पूरा साइंस बैकग्राउंड से कुछ, हाँ वो ठीक है, बट कुछ भी कॉमर्स का नहीं है आइडिया, ठीक है। मुझे क्लास के बाद में मिलो और मुझे बताओ कि कितना आता है आपको, थोड़ा समझने दो, बाकी और कोई नहीं ना, तो कुछ बोल रहा था। हाँ तो आप सभी लोगों को समझ में आएगा, कौन तू है, तू साइंस है, ठीक है मैं कुछ करता हूं, बट मुझे क्लास के बाद में मिलो। देखो बेटा ये बैच थोड़ी सी अलग हो गई है, अगर यही दिसंबर अटेम्प्ट होता ना तो इतना कोई कष्ट नहीं था, मतलब मेरा समझ लो सीधे सीधे कौन सा, सितंबर अक्टूबर नवंबर, डायरेक्टली 3 महीने टूटे मेरे, समझ में आ रहे है? तो उसके वजह से पहले ही बहुत प्रेशर में है चीज़ें, तो जो कॉमर्स बैकग्राउंड से आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको समझ में आ जाएगा, बट जो पहली वाली चीज़ है वो हम कवर करा देंगे, बट एट दिस मोमेंट यू नीड टू हैव फेथ फर्स्ट, ठीक है। साइंस बैकग्राउंड और एक मैं बता दूँ, आप बाकी के साइंस बैकग्राउंड के बच्चों से भी मिलना जो इधर थे पहले से भी। सो शुरुआत में अड़चन आती है, बट इफ़ यू डोंट गिव अप एंड इफ़ यू कंटिन्यू, मतलब अगर आप ये सोच के आए कि आपको अड़चन आएगी नहीं तो ये गलत बात है, अड़चन शुरुआत में आएगी, क्योंकि सीधी सी बात है क्या है कि अगर सिर्फ बेसिक से शुरू होती ना सब चीज़ें सबके लिए, राइट, तो कोई दिक्कत नहीं आती। अभी इधर कब वो कष्ट मैं नहीं क्रिएट कर रहा हूँ, प्रॉब्लम क्या हो रही है कि ये जो बच्चा है ना ये 11th 12th करके आया है कॉमर्स में, तुम कैसे आए हो कि तुम साइंस से आए हो, तो अभी अगर मैं भी पढ़ा दूँ ना बेसिक से, ये है ना चिल्ला पुकार करना चालू कर देते, ये तुरंत आंसर देने लगते, क्योंकि इनको बड़ा मजा आता है, इनका ईगो सेटिस्फाई होता है कि हाँ मेरे को आ रहा है, तो फिर तुमको क्या लगता है कि साला मेरे को ही नहीं आ रहा क्या, नहीं येड़े लोग बस ऐसे चिल्ला पुकार करते रहते हैं। तो मैं आपको सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट करूंगा, कुछ भी करना कॉन्फिडेंस को संभाल के रखना थोड़े दिन तक, मैं संभाल लूंगा। तो मैं आपको कुछ भी डे वन है आज फर्स्ट, मैंने ऐसा कुछ बोला कि इधर कुछ मैजिक होने वाला कि आपको पूरा 100% समझ में आ जाएगा तुरंत डे वन से, नहीं, बट इफ यू सिट कामली कंपोज्ड मैनर में तो धीरे धीरे आपको समझ में आने लग जाएगी चीज, इज दैट ओके, क्लियर सिट्स, ठीक है बैठो, ए टेंशन कोई नहीं क्या खरबूजो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तुम भले ही 4-5-10 लोग ही होंगे बट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, क्योंकि किसी एक की भी हाई लगी तो साला आदमी बूम्बा, फिर क्या पहले जमाने में ऋषि मुनि एक ही श्राप देता था, वो आदमी का बेटा घर तो अपन मैं ऐसा कोई गलत काम नहीं करूंगा, तो आप बेफिक्र रहिए, यू आर इन द सेफ हैंड्स, बट थोड़ा सा कॉपरेट करना पड़ेगा आपको, है ना। चलिए रसगुल्ले बच्चों, आई एम न्यू स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम,
मोस्ट वेलकम। प्यारे प्यारे बच्चे कुची कुची कू सुनते जाइए अभी मेरी बातें। मैं आज एक बहुत भारी बात बोलने आया हूँ आपको। क्या बोल रहे हैं? होमवर्क क्या था तुमको? इतना सारा होमवर्क दे दिया था मैंने। शी कितना गंदा आदमी है ये, बात मत करो इस आदमी के साथ। अच्छा मजा आया? एग्जाम क्वेश्चन पूरे क्लास करके आई है? कितने बच्चे करके आए सर, एक बार हाथ दिखा दो तो। वाह कितने प्यारे प्यारे लग रहे हो तुम, बहुत प्यारे प्यारे हो। काला टीका लगा लेना आज। चलो मैं भूल गया, आज मेरी भाइकों ने रिवीजन नहीं लिया मेरा, तो थोड़ा ऐसे ही आ गया यार, बहुत जल्दबाजी में आया आज। और उधर रास्ते भी लॉक कर दिए थे, थोड़ा सा मैं सोचा घर में जाके ऑफिस में जाके रिवीजन करूंगा, कर ही नहीं पाया। मुझे कैशबुक याद नहीं आ रही, कैशबुक बता देंगे आप? अंडी बंडी शंडी जो नहीं बताएगा, मतलब नए बच्चों को छोड़कर, कैशबुक कहाँ है? एक गुड़िया तुम सिखा, मैं सिखा दूंगा प्लीज, मैं कसम से सिखा दूंगा बेटा। मत तो आज देख, सिर्फ मजे ले। जो जो नए बच्चे आए आज, क्या लेने का तुमको? मजे लेने का, ठीक है? तुमको एक टास्क देता हूं, जो जो नए बच्चे जो नहीं बता रहे हैं उसके बारे में बताओ, तुमको 100 रुपए इनाम। आजू बाजू में देखो, 100 रुपए इनाम तुमको, ठीक है? जो नहीं बता रहे वो तुम उनकी बजाओ आज, वो तुम्हारी बजाने के पहले तुम बजाना चालू करो, ठीक है? अच्छा पासबुक बता दो एक बार। अच्छा मुझे एक चीज और याद नहीं रही, तुझे मालूम है कि तू बताना, देखो इसको मालूम है कि चेक इश्यूड कहां एंट्री पहले होती है, इसको बताओ तो एक बार कान फाड़ के। चेक डिपॉजिटेड की एंट्री कहां होती है, और बैंक चार्जेस की, इंटरेस्ट मिला तो, और इंश्योरेंस पेड स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन पासबुक में होता है। ओके चेक डिसऑनर्ड, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, अयो आर इज व्हाट, रिसीट, रिसीट साइड इज व्हाट, डेबिट, वो ठीक है भाई, ये रिसीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, एंड पी इज, आर इज ओवर कास्ट, आर इज अंडर कास्ट, पी इज ओवर कास्ट, पी इज अंडर कास्ट, बेस्ट है। आपसे एक अगला प्रश्न पूछता हूं, अगर डेबिट बिकम्स क्रेडिट, क्रेडिट बिकम्स डेबिट, इफेक्ट इज, भारी ना? और एडेड होता है तो मुझे एक बात बताओ, कौन सा साइड ओवरकास्ट होता है? जिस साइड में लिखा वो साइड ओवरकास्ट, बेस्ट है। अच्छा और कुछ पूछना था क्या? बस मुझे लगता है इतना काफी है। और कुछ था? श्योर, गुड, मेरा भी रिवीजन हो गया। अच्छा मुझे एक बात बता दो, साइंस बैकग्राउंड वाले बच्चे थोड़े से डर गए तुम जैसे आंसर दिए। तुमको कुछ घंटा आता था इसके पहले? कुछ नहीं आता था, इनको कमीनों को खलबत्ते में कूट कूट के बनाया था अच्छे से, तब ये जाके अभी बोलने लग गए, ठीक है? तो सुनते जाइए, अभी हेडिंग लिखी है, प्यारी से हेडिंग, ठीक है? लोन 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 लिखो, लोन, बेटा किसी बच्चे को इस क्लास में बिल्स ऑफ एक्सचेंज ये टॉपिक किया है क्या? ओके कोई मुझे डिस्काउंटिंग ऑफ बिल के बारे में बता सकता है हाथ ऊपर करके? आप बता सकते हो? हाँ तो आप आएंगे इधर, इनको माइक दो, किस पे बताएगा? हाँ इधर से माइक में बता दे। तो अंडरग्राउंड है क्या, पुलिस से डरता है? फिर इधर आके बताने, क्या क्या है उसमें बता दे, अभी उधर ही बता। तू पहले ना जाके जेंडर वापिस सीख। बोल भाई बोल। हाँ when somebody draws a bill for against a goods received on credit sales, when the and money is immediately needed, then the person who draws the bill goes to bank for discounting of the bill, that is he takes money from bank and the payable person is directly payable to the bank. Okay, so the drawee directly pays it to the bank. ऐसा मैं बोला कि ये बोला? मैं तो कुछ भी नहीं बोला। Can I ask you again? If there is a bill of say 10,000, आज की डेट है ये, बेटा पूरी क्लास ध्यान से सुनो, और जो आज नए बच्चे ज्वाइन हुए उनको भी ये बात समझ में आएगी, ठीक है ना? ये कॉमन सेंस की बात। सो फॉर एग्जाम्पल 1/4/2024 को मेरे पास 50,000 का एक कॉन्ट्रैक्ट है। क्या है? कॉन्ट्रैक्ट।
इस कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा है कि आपको पैसे 3 महीने बाद मिलेंगे। कितने महीने बाद मिलेंगे? 3 महीने। और मेरे हाथ में क्या है? कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसी चीज होती है कि जिसके अंदर एक्नॉलेज करता है आदमी कि मैं आपको पैसे दूंगा, जो स्टैम्प पेपर हम बोलते हैं ना, वो कॉन्ट्रैक्ट जैसा होता है। सो 50,000 रुपए हमें 3 महीने बाद मिलेंगे, तो 4 में 3 जोड़ा तो 7, 7 ना, राइट। और ये जो 1 है, 1 में भी 3 दिन ग्रेस के जोड़ने पड़ते हैं। कितने दिन? 3 दिन। ऐसा हम डिसाइड करते हैं कि कानून डिसाइड कर चुका है? कानून कहता है कि 3 दिन ग्रेस के देते हैं, तो हम 3 दिन ग्रेस के जोड़े, कितने हो गए? 4। तो 4/7/2024। एक चीज का ध्यान रखिएगा, ये वाली जो चीज जिसको नहीं समझ में आई उसका टेंशन न करो, आप बैठो बेटा, उसका टेंशन न करो। ये आपको कब समझ में आएगा? जब आप बिल्स ऑफ एक्सचेंज टॉपिक पढ़ेंगे। अभी के लिए जो मैं बोल रहा हूं उतना समझ में आ रहा है क्या? कि एक मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट है 1/4/2024 को, और उसका मैच्योरिटी है, मतलब मुझे पैसा मिलेगा कौन से तारीख को? 4/7/2024 को, ठीक है। और यह कॉन्ट्रैक्ट 50,000 रुपए का, पैसा कब मिलने वाला है? 4/7/2024 को हमें कितने रुपए मिल जाएंगे? 50,000 रुपए। आप बेटा जी, क्या हुआ जिस बंदे का ये कॉन्ट्रैक्ट था, लेट्स टेक एन एग्जांपल। यहां पर कौन बोला था? ये बोली बोलकर कौन था? तू था ना? क्या नाम है तेरा? दक्ष। दक्ष के पास ये बिल था, है ना? क्या हुआ? दक्ष की गर्लफ्रेंड बीमार हो गई और वो हॉस्पिटल में है, और फिर वो कहां है? हॉस्पिटल में पड़ी है। अब ये जो दक्ष की गर्लफ्रेंड हॉस्पिटल में पड़ी है, अब सुन लो ध्यान से, इसको ठीक करने के लिए डॉक्टर ने बोला कि पैसे लगेंगे। आप मुझे बताओ, दक्ष के पास यही एक कॉन्ट्रैक्ट है, तो दक्ष क्या करता है कि भाई साहब क्या करूं अभी, कहां से पैसे लाऊं, कैसे लाऊं, कैसे लाऊं, कैसे लाऊं। तभी इसकी मजबूरी का फायदा उठाने के लिए वहां पर एक बैंक है। कौन है? ठीक है, बैंक बोलती है मेरे पास आ, तेरे को आज इस 50,000 के डॉक्यूमेंट की जगह पे मैं आपको दे दूंगी 48,000 रुपीज, जो तुम्हें 3 महीने बाद मिलेगा। वो तुम्हें कितने दे देती हूं मैं अभी इमीडिएटली 48,000। इसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ द बिल। डिस्काउंटिंग ऑफ द बिल में द रिक्वायरमेंट ऑफ द पर्सन इज सैटिस्फाइड इमीडिएटली। ओके, अब मुझे बताओ, लास्ट में जब पैसा मिलने वाला था वो किसको मिलेगा? बैंक को मिलेगा, किसको? बैंक को। बट कितना मिलना चाहिए बैंक को? 48,000 या 50,000? कॉमन सेंस है, बैंक ये सारा कार्यक्रम कर रही क्योंकि उनको प्रॉफिट चाहिए, और जो 2,000 रुपीज उन्होंने अभी कम दिए उनको एक्स्ट्रा मिलेगा 2,000 रुपीज आगे। यस और नो? सो रसगुल्ले बच्चों, यहां पर डिस्काउंट है 2,000। ये डिस्काउंट कुछ नहीं बेटा, इंटरेस्ट ही है। बट ऑन ड्यू डेट ये बैंक है, बैंक अभी कितना दिया? अरे मैंने गलत एरो बना दिया, ये एरो मैंने ऐसे लिखना चाहिए कि बैंक ने 48,000 दिए। अरे एरो अरे हाँ, और फिर बैंक को, अरे ये एरो वापस गलत बना दिया मैंने, बैंक को ड्यू डेट के दिन, ये ड्यू डेट हुई ना, ड्यू डेट के दिन कितने रुपए मिलेंगे? 50। और डिस्काउंटिंग के दिन कितने मिलेंगे? इसको डिस्काउंटिंग डेट बोलते। कौन सी डेट? डिस्काउंटिंग डेट। एग्रीड? कितने रुपए मिलेंगे? 48,000। एक ऐसा फर्ज करो कि बैंक को पैसे नहीं मिले इस कॉन्ट्रैक्ट के 50,000 रुपए, क्योंकि देखो दक्ष को किसी और से मिलने वाला था कॉन्ट्रैक्ट, मतलब somebody outside दक्ष was gonna give him how much? 50,000। अब उसने हाथ खड़े कर दिए, बोले कि मेरे पास पैसे नहीं है, जो देने वाला था दक्ष को। तो अब मुझे बताओ, बैंक किससे पैसे वसूल करेगी? आवाज नहीं आ रही है, दक्ष से करेगी ना। अगर डिसऑनर हो गया बिल, तो देन बैंक विल कम एंड टेक दिस मनी फ्रॉम होम? दक्ष। कितने रुपए वसूल करेगी? 48 या 50? क्या पूरी क्लास को ये लॉजिक समझ में आ रहा है? सो मैं आपको बता रहा हूं, व्हेन द बिल इज डिस्काउंटेड यू टेक डिस्काउंटेड अमाउंट, व्हेन द बिल इज डिसऑनर्ड यू टेक ग्रॉस अमाउंट। वापिस से बोलो, व्हेन बिल इज डिस्काउंटेड यू टेक डिस्काउंटेड अमाउंट। डिस्काउंटेड माने 48,000, मतलब द डेट ऑन विच द बिल इज डिस्काउंटेड यू टेक 48,000, एंड व्हेन द बिल इज डिसऑनर्ड यू टेक ग्रॉस अमाउंट। इज दैट ओके? सो मैं अगर आपको ये बोलूं, व्हेन बिल इज डिस्काउंटेड टेक नेट अमाउंट, और दूसरा व्हेन बिल इज डिसऑनर्ड, विच ऑनर्ड? टेक ग्रॉस अमाउंट। ओके पिल्लू? ओके, ए बिफोर आई गो फर्दर, आई एम लिटिल अनकंफर्टेबल, आई थिंक आई शुड फर्स्ट टेक केयर ऑफ द न्यू किड्स। यहाँ पर क्लास में जो बच्चे पहले पढ़े हैं मुझसे, कितने बच्चे उनके साथ दोस्ती कर उनको हेल्प करने के लिए तैयार है?
आई वॉन्ट सुमोटो, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, एक एक बड़ी दूंगा आपको, हाँ बॉयज़ के साथ बॉयज़, गर्ल्स के साथ गर्ल्स, ये एक थोड़ा सा छोटा सा नियम है। गर्ल्स आई नीड लिटिल मोर पार्टिसिपेंट यहाँ पर। मैं आपको सिर्फ इतनी सी बात बता देता हूँ कि अगर आप हेल्प करोगे तो आप भी खुद की हेल्प करते रहोगे, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, और इसमें आपकी भी प्रोग्रेस होती है और आपकी भी पढ़ाई होती है। सो जो जो बच्चे हेल्प करने के लिए तैयार है और जो जो बच्चे नए ज्वाइन हुए आज, प्लीज़ वेट आफ्टर द क्लास। व्हाट आई विल डू इज आई विल गिव यू अ बडी फॉर यू हु विल हेल्प यू आउट कि हाउ टू टैकल द थिंग्स एंड ऑल, ठीक है, डोंट वरी। आप वहाँ से उठिए और यहाँ बैठिए और खुद की हेल्प किया करिए, वहाँ से कैसे समझेगा रहना लाइक बैठ नहीं इधर, तू तो ऐसा बात कर रहा है जैसे आज ही फर्स्ट डे तेरा जिंदगी में आया नया नया। अबे जिंदगी की बात कर रहा हूँ, क्लास की नहीं एडी। और थोड़ा सा अंदर सरक ना, इसको बैठने देना इधर, तो अंदर सरक भाई, हाँ सरक गया, तू नहीं गुड़िया, हाँ इधर जगह बन सकती है कि देखना, इसको बिठाना आराम से, इस बच्चे को कहाँ वहाँ बिठाया उसको, हाँ पाजी ये लिख कर ले लो डिस्काउंटिंग ऑफ द बिल, सुनो ये लिखना है, हाँ लिख लो जल्दी से, क्या हो गया, अबे बैग नीचे रख दो ना, वो बेचारा कैसे बैठा है इधर यार, कंफर्टेबल है, हाँ कंफर्टेबल है वो, कोई बात नहीं, तू फैल के बैठ, हाँ धोती चोरी कर ले तू लिख ले हमारे दादाजी थे ऐसे, सॉरी दादाजी देखो मैं वापस बता दूं, जब बिल डिस्काउंट किया जाता है तब हम डिस्काउंटेड अमाउंट लेते हैं, और जब बिल डिसऑनर होता है तब हमें ग्रॉस अमाउंट लेनी पड़ती है। जब बिल डिस्काउंटेड होता है तब हमें कौन सा लेना पड़ता है, नेट अमाउंट या डिस्काउंटेड अमाउंट, और जब बिल डिसऑनर होता है तब हमें कौन सी लेनी पड़ती है, ग्रॉस अमाउंट। मैं तैयार हूं सर, ठीक है सर, ड्राइंग भी बनानी है क्या, वो तुम्हारी इच्छा, मत हंस ऐसे, मेरी दादी हंसी थी एक बार, दांत बाहर गिर गए थे क्या हो गया था जब ये नए बच्चे आते हैं ना और तुम पुराने हो जाते हो, इनको पता नहीं ऐसे ऐसे लगता है कि क्या चल रहा है क्लास में, क्या कर रहे बच्चे हैं। ये नहीं आने वाला एग्जाम में, ये कॉन्सेप्ट बताया, जल्दी लिखो इसको, मत बोला कर भाई ऐसे, क्या हुआ बेटू, क्या हुआ बेटा, दो मिनट रुक जा, अच्छा मेरी बात सुनो ना अभी एक बार, पूरी क्लास का ध्यान इधर, अभी अटेंशन हियर प्लीज ऑन द स्क्रीन बेटा, अब हमारे बीआरएस टॉपिक का इसके साथ क्या लेना देना है, जरा पूरी क्लास ध्यान से देखेगी। अगर मान लो बिल इज डिस्काउंटेड, ठीक है, ए इधर अबे, वो तेरे बाजू लो इधर, सो अगर बिल इज डिस्काउंटेड, पूरी क्लास का ध्यान इधर रहेगा, अभी अभी कोई इधर उधर नहीं देखेगा, सामने देख के स्टैच्यू, सर ऐसा बैठने के थोड़े एक्स्ट्रा पैसे लगते क्लास में, सीधा बैठने के क्लास में, जो भी नए बच्चे हैं मैं क्लियर बता दूं, सीधा बैठना पड़ता है एकदम अलर्ट, वो कल गुड़िया नहीं थी उसको मेरे को आइडिया नहीं था तेरे को कल ही डाटा क्या मैंने, सॉरी मुझे पता नहीं था, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, ये बच्चा दिख रहा है आपको, दक्ष, यस, नहीं दिख रहा है तो छोड़ दो, वैसे भी कोई इंटरेस्टिंग नहीं है, बट मैं बता रहा हूँ मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो दक्ष है दक्ष को पैसे की जरूरत थी, याद है, सो ऑन द डेट ऑफ डिस्काउंटिंग दक्ष विल रिसीव मनी 48,000 इन हिज बैंक, दक्ष विल रिसीव हाउ मच 48,000, तो अगर हम इक्वल ले तो बेटा पैसा किसको मिलेगा, कस्टमर को, दक्ष को, तो बेटा जी क्या मैं बोल सकता हूं बैंक बैलेंस विल गो अप बाय हाउ मच, इट विल गो अप 48,000, मतलब अगर ऐसा बोला ऑन द डेट ऑफ डिस्काउंटिंग नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, ऑन द डेट ऑफ डिस्काउंटिंग नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, तो ऑन द डेट ऑफ डिस्काउंटिंग व्हाट इज द अमाउंट, 48,000 और 50,000,
सो कैन आई नॉट से दैट इट वॉज बैंक बैलेंस बढ़ गया था 48,000 से, कैश बुक अभी भी नीचे है, क्लियर? तो मतलब ऑन द डेट ऑफ डिस्काउंटिंग बैलेंस बढ़ता है। दूसरा वाला सुनो, ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी अगर बिल डिसऑनर हो गया, ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी अगर बिल डिसऑनर हो गया, सो दक्ष को पैसे मिलेंगे या बैंक इससे पैसे छीन लेगी, मतलब निकाल लेगी ना पैसे। सो अगर मैं इक्वल लू, सो बेटा जी मुझे बताओ ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी पैसा आएगा कि जाएगा? तो कितने से नीचे जाएगा? 50,000 से, नॉट 48,000। ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी इट वुड बी हाउ मच? 50,000 विल गो डाउन, इज दैट ओके? बूम, ठीक है, बैठो दक्ष, एक बार जल्दी से बता दो, बैठो बैठो। ऑन द डेट ऑफ डिस्काउंटिंग, जल्दी से बताना, ऑन द डेट ऑफ डिस्काउंटिंग क्या होगा? आवाज नहीं आ रही, बैंक बैलेंस विल इंक्रीज, इज दैट बाय हाउ मच? 48,000। ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी बैंक बैलेंस विल बाय हाउ मच? 50,000। वेरी गुड, सो लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन। बेटा होमवर्क क्वेश्चन की चिंता मत करो, सांस लेते रहो, हो जाएगा। ये तुम्हारा ईयर एंड बताओ, एक तपड़ लगाऊंगा, ईयर एंड का है तुम्हारा, ईयर एंड का है, तू शायर है, ये ईयर एंड है क्या? अच्छा, इस तरफ अगर चेक डिपॉजिट किया और इधर ही क्लियर हो गया, बीआरएस में आता है, इस तरफ चेक डिपॉजिट किया इधर क्लियर हुआ, बीआरएस में आता है क्या? तो हम बीआरएस में कब लेते? जब इधर और इधर रहते, तब इधर रहते तो बीआरएस में नहीं आता है, इधर इधर बीआरएस में नहीं, इधर इधर बीआरएस में, से यस और नो? बेस्ट है। कम डाउन टू द क्वेश्चन नंबर 21। तुमने पापा को बताया क्या जो मैंने बात बताई आपको, ये वाली स्टेप? नहीं बताया, एक बार कोशिश तो करो, ऐसा तू शायर ऐसा करने फ्रॉम द, और पापा ने मारे तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। फ्रॉम द सिद्धेश का सेटिंग चालू है, सिद्धेश यूट्यूब पर मुझे बड़ा मजा आता है, शिवानी आप इंस्टा पर हो गया? सिद्धेश एक बात बोलू क्या, ऐसे नहीं लगते तुक्के बेटा, ठीक है, प्लीज। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर बीआरएस ऑन 31st December 22। आई वॉन्ट नाउ पिन ड्रॉप साइलेंस एंड कंप्लीट अलर्टनेस, ओके, बी अलर्ट। On 31st December 22, the cash book of the firm showed a bank balance of ₹60,000. बेटा मैं आपसे पूछूं एक प्रश्न, ये डेबिट बैलेंस है राइट? तो आप मुझे बताइए किसके हिसाब से बैलेंस है, कैश बुक का है कि पासबुक का है? क्या दिया है, ये फेवरेबल है कि अनफेवरेबल है? आ होगा क्या? आ नहीं करेंगे हम, ठीक है। सो दिस इज फेवरेबल बैलेंस। रसगुल्ले बच्चों, चेक हैड बीन इश्यूड, सुन रहे हो क्या? कहां एंट्री हुई? चेक हैड बीन इश्यूड, इश्यूड मतलब कैश बुक में हुआ, आउट ऑफ विच चेक वर्थ 4 लाख ओनली वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। बेटा मैं आपसे पूछना चाहता हूं बीआरएस में कितना आएगा? मैं पूछ रहा हूं यार, मैं टीचर हूं, 15 लाख, 4 लाख की 11 लाख? श्योर? क्योंकि बेटा 4 लाख इज प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अगर मैं ऐसे बोलता, ध्यान से सुनो, मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं, आउट ऑफ विच 4 लाख वर प्रेजेंटेड ऑन 4th January 2023, आउट ऑफ विच मतलब चेक इश्यूड 15 लाख, आउट ऑफ विच 4 लाख वर प्रेजेंटेड ऑन 4th January 2023, कितना आएगा? अभी आवाज नहीं आ रही, 4 लाख आएगा, क्योंकि हम फिर अज्यूम करते हैं बेटा कि बचे हुए 11 लाख कब क्लियर हो गए? 31st December के पहले, मतलब ये दोनों फिर एक ही साइड में आ जाएगा ना, मतलब चेक इश्यूड 15 लाख और उसमें से क्लियर कितने हो गए? 11 लाख, तो डिफरेंस कितने का रहा? 4 लाख। समझ आ रही के बात? मतलब बेटा जी 31st December के पहले चेक इश्यू हुए थे, जो आगे क्लियर होते हैं ना वो बीआरएस में आते हैं, जो पहले ही क्लियर हो गए वो बीआरएस में नहीं आते, क्योंकि दोनों का बैलेंस सेम ही हो जाएगा ना। हम साथ साथ है,
ठीक है, तो एक बार इक्वल लो ये नए बच्चे, एक बार देखो मजा आएगा तुमको। हाँ चेक इशूड, पहले एंट्री किधर हुई? करो काम, आवाज नहीं बे। हाँ कौन सा बैलेंस मालूम नहीं है? पासबुक को क्या करेंगे? ये फ्रीज हुआ, फिर क्या करेंगे? ऐड ऑन करेंगे, तो हम क्या करेंगे इसको? ऐड, ऐड कितना? ऐड 11 लाख। हाँ नए जो स्टूडेंट है आपके लिए एक सेपरेट लेक्चर लूंगा, हो सके तो आज इवनिंग को लेते हैं, या मैं आपको डेट बताता हूँ जिसके अंदर इसके बेसिक्स पूरे समझा दूंगा, तो आपको ये टॉपिक आने लग जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट, इज दैट ओके? हाँ करते कोशिश, मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं करता हूँ। थर्ड, चेक वर्थ रुपीज 11,40,000 वर डिपॉजिटेड इन द बैंक ऑन 28th December, बट हैड नॉट बीन क्रेडिटेड बाय बैंक, इज दैट ओके? इन एडिशन टू दिस, वन चेक फॉर 5 lakh वर एंटर्ड इन द कैश बुक ऑन 30 December, बट वॉज बैंक ऑन 3rd January। बेटा मैं पहले ट्रांजेक्शन को दो हिस्सों में बांट देता हूं, पहली ट्रांजेक्शन का मतलब क्या है कि चेक इज डिपॉजिटेड, बट डिड इट गेट क्लियर्ड? सो टेक इट इक्वल, मैं चेक करना चाहता हूं एवरीवन, किधर एंट्री हुई? कैश बुक में क्या हुआ? बढ़ गया। कौन सा बैलेंस पता नहीं है? क्या करेंगे? फ्रीज, फिर लेस। तो बेटा जी ये लेस होगा क्या? लेस 1140, कीप ब्रीदिंग बेटा। नाउ नेक्स्ट, इन एडिशन टू दिस, वन चेक फॉर 5 lakh वॉज एंटर्ड इन दी कैश बुक बट वॉज बैंक्ड ऑन 3rd January। बेटा बैंक्ड का मतलब क्या? बैंक में डिपॉजिट किया, बैंक्ड मतलब बैंक में डिपॉजिट किया, सो डिपॉजिटेड इन बैंक को और एक शब्द क्या है? बैंक। अब बेटा जी डिपॉजिट ही 3rd January को हुआ, तो क्या ये December के पहले क्लियर हो सकता है क्या? अच्छा मुझे बताओ चेक कब मिला हमें? आवाज ही नहीं आ रही, मरे मरे बात कर दो। 38 December क्या? लो इक्वल, कहां एंट्री हो गई? कैशबुक में कितने से एंट्री हो गई? 5 lakh। कहां एंट्री नहीं हुई? क्या करेंगे? फ्रीज, फिर लेस। तो बेटा जी कितना लेस होगा ये? लेस 5 lakh। हैप्पी पिल्लू, आगे चलते। अ चेक फ्रॉम सुसेन फॉर 4 lakh वॉज डिपॉजिटेड इन द बैंक ऑन 26 December 2022 बट वॉज डिसऑनर्ड एंड द एडवाइस वॉज रिसीव्ड ऑन 2nd January। बेटा जी अब मुझे बताओ, 4 lakh का चेक डिपॉजिट था 26 December को बट वॉज डिसऑनर्ड और इसके बारे में कैश बुक को पता चला 2 January को बिकॉज द एडवाइस इज रिसीव्ड ऑन 2nd January। अपने दिल से पूछो चेक डिपॉजिटेड की पहले एंट्री कहां होती है? बताओ तो कैसे होती? गुड़िया 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 कहां होती है? वेरी गुड, कहां होती है? कैशबुक बढ़ गया। अब मुझे बताओ क्या पासबुक में चेक क्लियर हुआ क्या? नहीं। दिख रहा है तुमको? क्यों क्यों नहीं क्लियर हुआ? डिसऑनर्ड। कौन सा बैलेंस पता नहीं है? क्या करेंगे? फ्रीज, लेस। तो ये क्या होगा बेटा जी? लेस 4 lakh। पासबुक शोड अ बैंक चार्जेस ऑफ 2000 डेबिटेड बाय द बैंक, टेक इट इक्वल, हु हैज शोन व्हाट? पासबुक। पासबुक में बैंक चार्जेस इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ? सो इक्वल लेने के बाद में पासबुक में क्या होगा? लेस। कौन सा बैलेंस पता नहीं? क्या करेंगे? फ्रीज, फिर लेस। सो बैंक चार्जेस 2000, ठीक है, सांस लो। वन ऑफ द डेटर्स डिपॉजिटेड सम ऑफ रुपीज 5 lakh इन द बैंक अकाउंट ऑफ द फर्म 20 December को बट द इंटीमेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस वॉज रिसीव्ड ऑन 2nd January। सो लेट मी आस्क दिस इंटेलिजेंट क्लास अगेन, आपको क्या लगता है? डायरेक्ट डिपॉजिट है क्या? डेटर्स का मतलब कस्टमर, कस्टमर ने हमारे बैंक में डायरेक्टली डिपॉजिट किया, कितने रुपए डिपॉजिट किया? तो इसकी एंट्री कहां हुई? कैशबुक में हुई, पासबुक में हुई? लो इक्वल, हाँ बताओ क्या हुआ? लो इक्वल, तात्या घे इक्वल, घबराया? हाँ क्या हुआ फिर? पासबुक बढ़ गया। कौन सा बैलेंस पता नहीं है? फ्रीज, ऐड। तो ऐड कितना आएगा?
भाई तेरा फेवरेट कलर बता। हाँ वाइट कलर क्या है बे? ट्रांजेक्शन नहीं बैलेंस दिया है ये डे, पढ़ उसको, पढ़ चुका हूँ मैं। हाँ कौन सा वाइट कलर है क्या तेरा फेवरेट? तेरे को वाइट दिख रहा है, कमाल है। मतलब तू कुछ और देख रहा है फिर। ला 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 वाइट 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 वाइट। ये तू नया बच्चा है कि पुराना है? नहीं ब्लू के पीछे इधर वाइट है। तू नया कि पुराना है? पुराना बच्चा है, उसको दो माइक दो। अच्छा ये नया बच्चा कौन है? तू नया बच्चा है ना। अच्छा मुझे बता एक से पांच में से कोई भी एक से, नहीं एक से छह में से कोई भी एक नंबर बता तेरा फेवरेट। तीन, तीसरे नंबर की ट्रांजेक्शन बता बेटा। पोट्टा होशियार है तू। मैं पढ़ू आपके लिए? शैल आई रीड इट फॉर यू? ओके बोले। चेक वर्थ रुपीज 1140 वर डिपॉजिटेड इन द बैंक ऑन 28th दिसंबर बट नॉट बीन क्रेडिटेड बाय द बैंक। कोशिश करो, आवाज नहीं बेटा प्लीज, आवाज नहीं। सर चेक्स वर डिपॉजिटेड। माइक चालू कर दे बेटा, चालू हो गया। माइक थोड़ा जल्दी बोलो, ऐसे बोलो, नजदीक लेकर बोलो। हाँ देख पहले मेरी बात सुन गुड़िया, डर मत, यू विल नॉट गेट दिस अपॉर्चुनिटी एवरी टाइम। Try and use it. It's okay. We have always committed mistakes in our life, so it's okay to commit the mistake. हाँ चलो कोशिश करो। Sir, checks were deposited in the bank. Checks were deposited in the bank. So cash book balance will increase. Okay. Then we don't know the balance of passbook. Okay. So this will freeze. फिर? Cash book balance will come. Through. Okay, very good. So पहला वाला less हुआ क्या बेटा? Less. अच्छा दूसरा वाला क्या हुआ बेटा? इन एडिशन टू दिस वन चेक फॉर 5 lakh वॉज एंटर्ड इन द कैश बुक ऑन 30th December 22 बट वॉज बैंक्ड ऑन 3rd Jan। गुड़ी आप बता सकती हो, माइक पकड़ सकती हो आप? आप माइक पकड़ो और बोलो। हाँ सर, इन दिस वन चेक वॉज एंटर्ड इन द कैश बुक। सही जा रही बेटा, डोंट वरी, यू आर राइट। बैंक का मतलब क्या होता है बेटा? बैंक डिपॉजिट। बैंक डिपॉजिट, हाँ तो डिपॉजिट कब हुआ बिल्लू? थर्ड सेकंड जैन को। हाँ बताओ अभी कैसे होगा ये? थर्ड जैन है वो। हाँ फिर क्या हुआ बताओ? कैश बुक बैलेंस विल इंक्रीज। बैलेंस ऑफ पासबुक, पासबुक बैलेंस विल बी फ्रीज्ड, देन द कैश बुक बैलेंस विल कम डाउन। वेरी गुड, keep up the good work. So thank you so much, can we clap for her? Tera favorite number bata beta. 7. Aur favorite color? 7 hai nahi, ha sorry. Tera favorite color? 7. Balance diya amma, padh le ek bar sale ye, yahan bol beta. Blue. Aur ye kaun sa bata rahi hai abhi number? Dusra 6 number mein se ek select kar. Ha 6. ये कौन सा ब्लू बोला ना तूने कलर? कौन लड़का है ब्लू वाला? बिल्यू बिल्यू बिल्यू, ए वो छोरा है ब्लू में उधर। हाँ वो खरबूजा। 6 नंबर की ट्रांजेक्शन बता भाई। ए अभी आवाज नहीं करेंगे, 6 नंबर की ट्रांजेक्शन है बच्चा बता रहा है। भाई ये ट्रांजेक्शन बता दे क्या है? One of the debtor deposited a sum of rupees 5 lakh in the bank account of the firm on 20th December. मतलब कोई तो डेटर है, उसने हमारे बैंक अकाउंट में डायरेक्ट डिपॉजिट किया है। ओके तो बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, ठीक है, इसमें बैंक में पासबुक में। ओके तो एज पर क्वेश्चन हमें किसका बैलेंस दिया है? पास एक मिनट, कैश बुक का, कैश बुक का बैलेंस दिया है तो पासबुक फ्रीज होएगा। ये ऊपर जाएगा, कैश बुक ऊपर नहीं आएगा, ये उसको गाइड मत, कैश बुक ऐड होएगा। नहीं पासबुक ऊपर चला गया है, डायरेक्ट डिपॉजिट है ना तो पासबुक ऊपर गया है, पासबुक का बैलेंस मालूम है राइट? कौन सा मालूम नहीं है? कैशबुक, सॉरी कैशबुक का मालूम है, किसका मालूम नहीं है? पासबुक का मालूम नहीं है, तो ये क्या होगा? फ्रीज। और ये क्या हो जाएगा? ऐड। इज दैट ओके? मत बीच में बोला कर कमीने। चले शुरू करें बेटा इसको। हाँ अच्छा एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया आकांक्षा गर्ग का। सर जब हमारे पास चेक आता है तो उसे हम कैश बॉक्स में रख लेते हैं, तो कैशबुक में बैंक का बैलेंस तो बड़ा ही नहीं है, तो हमने उसे ऐड क्यों किया है इन ट्रांजेक्शन नंबर 3?
परफेक्ट क्वेश्चन, मतलब कैश बुक बहुत दिल से है, तमन्ना से अच्छे से पढ़ाई की है, रूह से पढ़ाई की है, ये बात बता रही है। गुड़िया आपका आंसर ये है बेटा कि जो हमने कैश बुक में पढ़ा था वो सही था कैश बुक के हिसाब से, बट इसके आगे से आपको ध्यान में रखना है कि जब भी हमें चेक मिलेगा हम ये अज्यूम करके चलेंगे कि उसकी एंट्री बैंक कॉलम में हुई है। अब ये प्रॉब्लम है, ये इंस्टीट्यूट की थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि कैश बुक में हमने जो पढ़ा था वो अभी बीआरएस में अप्लाई नहीं हो रहा है, क्योंकि जब चेक मिला तो मैंने ही सिखाया था कि वो कौन से बॉक्स में रखते हैं, कैश बॉक्स में। बट अब आपको ये समझना पड़ेगा कि उसकी एंट्री बीआरएस में, कि चेक मिला तो बैंक कॉलम में एंट्री हो गई है। इज दैट ओके आकांक्षा? वेरी गुड क्वेश्चन, कैन वी क्लैप फॉर आकांक्षा? जो अब ताली नहीं बजाते ना तुम, देख लेना दो दो मार्क कम होते जाते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा चल रहा है पिल्लू? 21। चलो सॉल्व करते। इन द बुक्स ऑफ डैश, पता नहीं, जो नए बच्चे, मैं आपको सिर्फ इतना भरोसा दिलाना चाहता हूं कि अगर ये बच्चे बोल पा रहे हैं तो आप भी बोल पाएंगे। जस्ट गिव मी सम टाइम, सो आई एम जस्ट रिक्वेस्टिंग यू, हैव फेथ, जस्ट गिव मी सम टाइम। मुझे बहुत चिंता रहती है तो इसलिए हैव फेथ, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 December 2022, particulars and amount rupees। बेटा जी अभी हम first line क्या लिखेंगे? Balance as per balance as per bank, नहीं balance as per बैंक अकाउंट इन कैश बुक, बैलेंस एज पर कैश बुक। बोलो बेटा कितना है? 60,000। फिर हमें क्या करना है? ऐड, और हमें क्या करना है? लेस। बेटा पहला वाला आइटम आपने क्या लिखा था? ऐड लिखा था कि लेस? ऐड। सो हम क्या लिख देंगे? चेक इश्यूड, ट्रांजैक्शन नंबर 2 है ना बेटा ये? चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, कितना अमाउंट है पिल्लू? 11,00,000। टिक मार्क सेकेंड हो गया। थर्ड में क्या हुआ बेटा? एड हुआ कि लेस हुआ? लेस। सो आई विल राइट डाउन थर्ड ट्रांजेक्शन लेस होगी। इसके अंदर दो आइटम है एक्चुअली, चेक डिपॉजिटेड but not credited by bank, but not credited amount कितनी है बिटू जी? 11,40,000। figure in the bracket represents negative figure, and third का ही और एक part है, check recorded in cash book but not banked, and the amount for the same would be how much, my dear students? Can I say 5,00,000? So 5,00,000 I'll subtract. Then going ahead, fourth transaction ka beta aapne kya likha hai? Less hi hai. Fourth transaction I'll write down, चेक डिपॉजिटेड बट डिसऑनर्ड अमाउंट इज 4,00,000 ना? 4,00,000। फिर आगे पासबुक शोड अ बैंक चार्जेस ऑफ 2,000 डेबिटेड बाय बैंक। बेटा इसका क्या किया था? ऐड किया था कि लेस? सो बेटा जी मैं बोलूंगा फिफ्थ ट्रांजैक्शन, बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक
2000. Now one of the debtors deposited a sum of rupees 5 lakh in the bank. What are we going to do? Add. Kitna add kar denge? Direct deposit by customer or debtor bhi likh sakte ho aap. Kitna likh sakte pillu? 5 lakh. So you will get balance or OD as per cash book. मैं आपसे नहीं नहीं जल्दबाजी मत करो. अगर मैं आपसे पूछूं ये फिगर नेगेटिव आ गया तो क्या बोलेंगे हम इसको? ओडी. अगर ये फिगर पॉजिटिव ही रह गया तो हम उसको क्या बोलेंगे? बैलेंस. जरा चेक करो क्या आ रहा है. 60 ए नहीं नहीं अपन नहीं वो तो अपन क्या करते वन आर वी रेडी ऑन द कैलकुलेटर 1 2 3 स्टार्ट. 60,000 प्लस 11 लाख प्लस 5 लाख माइनस 11 लाख 40,000 माइनस 5 लाख माइनस 4 लाख माइनस 2000 माई आंसर इज 3,82,000. कितने बच्चे कर पाए मेरे साथ? अभी स्पीड बढ़नी चाहिए या मेरे साथ ही होना चाहिए? स्लो नहीं कैलकुलेटर फास्ट. आया नेगेटिव 3,82,000. सो रसगुल्लो हम इसको क्या बोलेंगे? नेगेटिव हो गया ना तो हम नेगेटिव साइन हटा देते बट बैलेंस का बैलेंस नहीं बनेगा. क्या लिखेंगे? ओडी एज पर पासबुक. यस 3,82,000. कल तुम्हारी टेस्ट है. हाँ मतलब ये टेस्ट ऐसे ही मतलब ये पेपर चेक नहीं होगा बट टेस्ट है. बीआरएस एंड सब्सिडरी बुक प्रिपेयर करके आना. पास व्हायचं आहे ना मग प्रिपेयर करून एक छोटासा पेपर देईल बघायचं सोडवायचं. चलिए रसगुल्लो अगला क्वेश्चन. यार एक छोटासा मसला हो गया यार प्रॉब्लम हो गई है. तुमसे बात कर सकता हूँ क्या? तुम हेल्प करोगे मेरी? वाह वाह वाह. एक काम करते पहले एक एग्जाम क्वेश्चन करेंगे. 30 सर क्वेश्चन नंबर ये 21 में एक प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है. थैंक यू सो मच फॉर दिस. उसने वो क्रेडिट बैलेंस लिखा है वो एक्चुअली क्रेडिट बैलेंस नहीं बेटा डेबिट बैलेंस होना चाहिए. और मॉड्यूल जाके चेक कर लो बेटा जिसने भी बताया. कौन बच्चा है मिस्टर? थैंक यू सो मच बेटा बहुत अच्छा बताया. ये जो क्रेडिट बैलेंस है ना ये डेबिट बैलेंस है. और मॉड्यूल में जाके चेक करो बेटा जी ये डेबिट कर दिया गया. इज दैट ओके? सर हमारी टेस्ट कैसे होगी बेटा? मैं ग्रुप में डालूंगा पेपर तो आपने भी ट्राई करना पेपर लिखने का. ये जो पेपर है ना ये चेक नहीं होंगे अभी बट इससे आपको मैं हर टॉपिक होने के बाद में जो प्रिपरेशन करा रहा हूं ना उसके लिए आपको एक टारगेट देते जाता हूं. मैंने आपको बोला ना हर सैटरडे को टेस्ट होगी. सो दो सैटरडे के बाद में आपकी वो टेस्ट होगी जो 50 मार्क्स की होगी जिसका पेपर चेकिंग होगा. हरी बात में बट तब तक हर सैटरडे को हम ट्रायल प्रैक्टिस करते रहेंगे. नाउ प्लीज कम डाउन टू दी क्वेश्चन नंबर 30 जनवरी 2021 में. आर वी रेडी? चलिए ठीक है बेटा. कोशिश करना कि क्लासरूम में जब आप पढ़ रहे हो तब ये फाइनल रीडिंग जैसे बराबर होने लग जाए. तो ये कब पॉसिबल है कब मुमकिन है? आप सर पर डिपेंडेंट कम रहो और अभी खुद के ऊपर काम करो. आर वी रेडी नाउ? सो पूरी क्लास कोशिश करेगी कि इसका आंसर अपने आप से निकाले. देखते हैं. प्रिपेयर अ बीआरएस फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स एज ऑन 31 दिसंबर 2020. बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक. बेटा ये कौन सा बैलेंस दिया हुआ है? तुम अभी बताने वाले हो कि नहीं बताने वाले? ये कैश बुक का है कि पासबुक का है? फेवरेबल अनफेवरेबल? सो ये फेवरेबल बैलेंस है. ओके. बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक. मुझे बताओ किसका बैलेंस हमें दिया हुआ है? कौन सा बैलेंस दिया हुआ नहीं है? लो इक्वल. मैं चेक कर रहा हूं. लो इक्वल अम्मा. लो इक्वल अम्मा. लो इक्वल तुई. हां अभी क्या करेंगे? बैंक चार्जेस किसको कम करूं? पासबुक को करो कम. फिर कौन सा बैलेंस पता नहीं? क्या करेंगे? फ्रीज. फिर yes. पक्का? तो पहला वाला लेस. लेस कितना बेटा? 34,000. गो अहेड. रिसीव फ्रॉम डेटर्स वाइड आरटीजीएस ऑन 31 दिसंबर 2020 नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक. बेटा आरटीजीएस का सिंपल भाषा में मीनिंग बताऊं ऑनलाइन पैसा आया.
ठीक है। सो बेटा जी, एक डेटर्स ने आरटीजीएस से हमको पैसा दिया, ये कैशबुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि पैसा रिसीव हुआ कि पे हुआ? तो बताओ कहां पर एंट्री हुई? मैं चेक करना चाहता हूं पूरी क्लास का हाथ इक्वल, आप मुझे बताओ कहां एंट्री हुई डायरेक्टली? तो पासबुक इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ? ये पासबुक इंक्रीज हुआ। कौन सा बैलेंस पता नहीं है, क्या करेंगे? फ्रीज, फिर ऐड, तो ये क्या होगा? ऐड, कितना ऐड होगा? 1 लाख। प्लीज टेक इक्वल अगेन, प्लीज टेक इक्वल अगेन, चेक इश्यूड, कहां पर एंट्री हुई? तो क्या हुआ कैशबुक का बैलेंस? करो कम करो, कौन सा बैलेंस? अम्मा कौन सा बैलेंस पता नहीं, क्या करेंगे? फ्रीज, ऐड। इस बच्चे को खड़ा कर बे, ऐड। तू नया है क्या? हाँ हाँ, इसको दे माइक दे, मेरे को इसको पूछने का, कुछ तो गड़बड़ गुंदड़ कर रहा था। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, हाँ भाई लो इक्वल, तू माइक पकड़ना है उसके लिए। हाँ बाकी बच्चे चालू करो। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, कहां पे एंट्री हुई? कैशबुक। हाँ बताओ कैशबुक कैसे बढ़ेगी? ऐसे। अब मुझे बता क्या करता है इसके आगे? फ्रीज। चुप है नलक। हाँ क्या करता? फ्रीज। किसको फ्रीज करूं? कैशबुक। और मैं समझ गया था तू कि यहां पर अटक रहा था। किसको फ्रीज करते है? पासबुक। क्यों? आप बैलेंस तू कर दे उसके सारे काम, जा क्योंकि फिर मैं गंदा बात कर लूंगा फिर। हाँ बोल अभी। हाँ भाई बोल जल्दी से, पासबुक क्यों फ्रीज होगा? अरे यार हाथ दुख रहे यार अभी, बोल जल्दी बोल। बच्चों इसके कान फाड़ कर बताओ पासबुक क्यों फ्रीज होता है? उसका बैलेंस मालूम है कि नहीं मालूम है? गाउटी अबे येडे, फ्रीज हाथ नहीं किया ना बराबर, तू पिछली बार इसको फ्रीज किया तो ये ऐड हो जाएगा, और इसको फ्रीज किया तो ये लेस हो जाएगा, क्या करता फिर? फ्रीज करना बराबर से सीख। पहले लाइन में कैशबुक का बैलेंस दिया है, तो कौन सा बैलेंस मालूम नहीं है? पासबुक का। तो हर बार पासबुक फ्रीज होगा। चलो बाकी बच्चे, हाँ अपन कहां पे थे? चेक डिपॉजिटेड, तो कैशबुक बढ़ गया। फिर दोबारा पूछ रहा हूं कौन सा बैलेंस पता नहीं है, क्या करेंगे? फिर ये लेस होता है, छोड़ दे रहे इसको। चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड बट डिसऑनर्ड, द एंट्री फॉर डिसऑनर नॉट मेड इन द कैशबुक। किसी बच्चे ने पिछले क्वेश्चन में मुझे इसके बारे में पूछा था, अभी वापस बता रहा हूं, सुन ले बेटा। चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड, पहले एंट्री कहां हुई? तो देखो कैशबुक में तो बढ़ गया, बट चेक डिसऑनर हुआ तो पासबुक इंक्रीज होगी क्या? पासबुक उधर ही रहेगी। से यस, फिर क्या करेंगे? फ्रीज लेस। Instruction for payment given to the bank on 31st December 2020, but the same effected by the bank on 1st Jan 2021. Interesting question है? No. Interesting question, इसका meaning बताओ, add less बाद में चाहिए। Interesting line है। अच्छा अपन BRS 31st December का बना रहे। Instruction given to the bank on 31st December, but the same effected by the bank on 1st Jan. Wow, cashbook में क्या हो गया? कैशबुक में क्या होगा? तो कैशबुक में 31 दिसंबर को ही एंट्री हो गई। हाँ या ना? गुड़िया पढ़ ना, क्वेश्चन ही बोल रहा है। पासबुक में एंट्री कब हुई? इफेक्टेड बाय बैंक ऑन 1st Jan, और हमने इंस्ट्रक्शन दिया, हम इंस्ट्रक्शन देंगे तो हम हमारी बुक में एंट्री कर फिर जाएंगे, समझ रही है? तो किधर एंट्री हो गई? कैशबुक में। तो कैशबुक में एंट्री हो गई तो क्या होगा? लेस। कौन सा बैलेंस मालूम नहीं, क्या करेंगे? फ्रीज ऐड। इस ट्रांजेक्शन को हाईलाइट करके रखो, अच्छी ट्रांजेक्शन है। एक बार दोबारा करेंगे इसको, फिर जाएंगे आगे। पूरी क्लास इक्वल लो, मुझे बताओ ये हमने इंस्ट्रक्शन दिया, अगर हम बैंक को बोलेंगे कि बैंक ड्राफ्ट निकालो, तो क्या हम हमारे बुक्स में एंट्री करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। तो हमने एंट्री कर ली कैश बुक में, बट पासबुक ने उसकी एंट्री कब करी? एक जैन को। तो लो इक्वल, कहां पर एंट्री हुई? कैशबुक बढ़ेगा कम होगा? करके बताओ कम। पेमेंट तो कम ही होगा ना अम्मा? हाँ तो फिर क्यों बता रही बार बार वापस? फिर कौन सा बैलेंस पता नहीं है? तो ये ऐड होगा क्या? चलिए कैलकुलेटर लीजिए गांव वालों, कैलकुलेटर लो। आर वी रेडी? 1, 2, 3 स्टार्ट। 1,98,000 माइनस 34,000 प्लस 1 लाख
प्लस 45,000 माइनस 25,000 माइनस 5,000 प्लस 4,000 माय बैलेंस इज 2,83,000। आया मेरे साथ अभी बाकी के बच्चों जल्दी जल्दी करो। ताई से डाला नहीं, ताई ने बोला इसको दबा दिया बार बार गुस्से में। टू लैख 83,000 आ रहा है क्या? सो 2,83,000 है, ये घर जाके लिख लियो। आपको इसका आंसर दिखाता हूं, सजेस्टेड में इसका आंसर कैसे दिया जाता है। सजेस्ट नहीं लगाया, बोले हम क्यों लगाए, जा इधर से। तू शायर है मैं तेरी शायरी। ए बेटा मुझे एक बात बताओ, ये कौन से एक सेकेंड नको ना, कौन सा पेपर है? जैन 21 है ना, यही वाला बेटा। इट वॉज आस्क फॉर 4 मार्क्स। सो आपका आंसर कितना आया? 2,83,000 आ रहा है क्या? या दैट्स इट। नाउ सुनिए अभी मेरी बात ध्यान से, ठीक है? मुझे एक बात बताओ, आपको कितने बच्चों को रिसीट मिल गई है एसपीसी की? एसपीसी की रिसीट कितने बच्चों को मिल गई? अच्छा मुझे बताओ आपकी रिसीट के क्या क्या फायदे हैं? प्रूफ है, बट और क्या क्या होता है? इनकम टैक्स छोड़, अम्मा इधर का बता दे अभी मुझे, क्लासरूम का मतलब तेरे को क्या क्या फायदा है? तुमको बुक्स मिल गए, बराबर है। और जो गुरुकुल के बच्चे वो रिसीट के बेसिस से क्यूआर कोड जनरेट हुआ, खाना मिल रहा है, यस और नो? कभी पार्टी होगी तो पार्टी में तुम्हारे को वो प्रूफ दिखने को मिलेगा, यस और नो? इसके फायदे। अब मैं छोटा सा एक काम करता हूं, मैं हूं एसपीसी, ठीक है, और ये है एसबीआई बैंक हमारा उधर। तुम ही एसबीआई बैंक। नाम क्या बेटू तेरा? वो नहीं कॉम्प्लिकेटेड। हाँ तेरा नाम क्या कुंडी? हाँ बेस्ट है, ये मानसी है, ये हमारा बैंक है, दिख रहा है आपको? सो मैं एसपीसी हूं। मैं कौन हूं? एसपीसी। बॉडी नहीं है स्वप्निल जैसी, बट ठीक है, मैं एसपीसी हूं, ठीक है। हाँ भाई उठ जा उठ जा उठ जा, हाँ उठ जा, हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कोई बात नहीं। ए चल जल्दी, अरे यार खड़ा हो जाए यार, तेरे को ही बुलाया था। हाँ वाइट, हाँ जा जा। आपने क्या करने का है? पैसे डिपॉजिट कर दो बैंक में, डिपॉजिट। अरे सर उधर जाओ, पैसे डिपॉजिट करके आ जाओ। सर आप नए हो गया? हाँ फिर पैसे डिपॉजिट करके आ जाओ। किसके नाम से पैसे डिपॉजिट किए? हाँ तुमने एडमिशन लिया, बराबर है। मैं इधर मस्त मौला निवांत एकदम। हाँ तुम जाओ गोवा में बैठा ती जाए जाइ सुमी खाली। हाँ भाई दूसरा एक जन और कोई कैश भर के आ जाओ। हाँ जाओ भाई जल्दी जल्दी, आज एसबीआई आराम नहीं करेगा, अपन आराम करेंगे। आराम से बैठा है मैं भाई की चाल मत वाली। हाँ ये इधर बैंक के डिपॉजिट करो और जाओ, ये एसबीआई ने डिपॉजिट किया गया, मैं इधर आराम से बैठा है। हाँ मजा आ रहा है। फिर एक पुट्टा इधर आ जा भाई तू। हाँ तू आ जा, तू आ जा, हाँ आ जा जल्दी आ जा। हाँ मैं आपको बताता हूं, तुम बोल रहे हो बैलेंस एज पर कैश बुक 6 लाख है, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूं डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, अब भी देखा तुमने 2 कस्टमर डायरेक्ट डिपॉजिट इन माय बैंक। मैं आराम से बैठा है, मैं एंट्री नहीं करेगा, अरे आराम से बैठने दे गोवा में। हाँ अभी तू बता बीआरएस में क्या करूं? ये मैं गिर गया तो हंसना मत प्लीज, मैं सिर्फ एक्टिंग कर रहा हूँ। हाँ फिर कैशबुक अभी कम है, कैशबुक अभी भी कम है, कम है। पासबुक बढ़ गया, तू मत कर तू क्योंकि तेरा हाथ उल्टा जाएगा। हाँ पासबुक बढ़ गया, कौन सा बैलेंस मालूम नहीं है, पासबुक। फिर क्या करेंगे? फ्रीज। फिर क्या करेंगे? ऐड। बेस्ट है। तो मैंने क्या किया, जैसा मेरे को मेरे मास्टर ने सिखाया, मैं स्टूडेंट बन गया अभी, मैंने बोला ऐड डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, ठीक है। तो फीस भरी होगी, मान लो इसने 40,000 भरी होगी दोनों ने मिलाकर, 20,000। भाई साहब मुझे नहीं पता, प्लीज मेरी जान मत खाओ और ऐसी गंदी निगाहों से मत देखो मेरे पास प्लीज, मैं टीचर हूं। हाँ 6,40,000। सो बेटा जी बैलेंस एज पर पासबुक, बराबर है, यही एंट्री करेगा। ए भाई तुमको अगर बदला निकालना है तो इससे, इसने बोला है बीआरएस ऐसे बनाते हैं, बराबर है ना? महीने नहीं बोला, मैं हाथ ऊपर कर दिया हूं,
इसने बोला तुम्हारा नाम क्या? मणिकंठ। मणिकर्णा? मणिकंठ। यार सब नाम ऐसे क्यों रखते हो यार? मणिकंठ। सो मणिकंठ ने ऐसा बोला है तुम दोनों को, ओ भाई तुम दोनों को, ठीक है जाओ बेटा अभी आप जाओ, अभी मैं मजे लेना चालू करता हूँ। बेटा जी मैं तो गोवा में बैठा था एसपीसी निवांत, हमको ऐसा सिखाया गया कि बीआरएस में एंट्री कर दो, मैंने कर दी। अब ये पुट्टा आता है मेरे पास तो मेरे को बोलता खाना दो, मेरा रिसीट दिखाओ। ये बोलता मेरे को बुक दो, मेरा रिसीट दिखाओ। भाई साहब बैंक में डिपॉजिट करने से बैंक वालों ने एंट्री करी है, कैश बुक में जब तक एंट्री नहीं होगी इसको रिसीट मिल सकती है क्या? इसको रिसीट नहीं मिलेगी। और आप एसबीआई में हो मानसी जी, ये आपको खाना मांग रहे हैं आप देंगे? या मानसी जी आपको बोलेंगे कि हमको बुक्स दो, आप देंगे उनको? तुमको बात समझ में आ रही? कॉमन सेंस लगाओ सर। अगर कोई ट्रांजैक्शन बैंक में रिकॉर्ड हो गई है तो बीआरएस अकाउंटिंग थोड़ी ना, बीआरएस तो स्टेटमेंट है ना। क्या करूं इस स्टेटमेंट का, इस स्टेटमेंट सिर्फ क्या करता है, दोनों में डिफरेंस क्या है ये लिखाता है? अबे पर खजूर तू विचार कर कि अगर इनका पैसा आ गया है तो मुझे एंट्री कर इसको कैश रिसीट देनी पड़ेगी ना। और वो कैश रिसीट तभी जनरेट होगी जब मैं कैश बुक में, मेरी कैश बुक में एंट्री करूंगा। अब ये क्या लॉजिक हुआ कि भाई साहब इन्होंने डायरेक्ट डिपॉजिट कर दिया और हम धनाधन उसको बीआरएस में दिखाते रहेंगे? मतलब स्वप्निल पटनी क्लासेस क्या करता है, जितने भी बच्चों ने डायरेक्टली डिपॉजिट किया है वो सब ट्रांजेक्शन क्या वो बीआरएस में दिखाता है क्या? कहां दिखाता है पाजी? ये बात तो समझे ना, नियति की एकदम लॉजिकल बात कर रहा हूं मैं कि पाजी जब आपको पैसा आ गया है तो उसको कैश बुक में बताओ। दूसरा बैंक चार्जेस, मैंने कहां बताया अभी बैंक चार्जेस, जैसे अभी थोड़ी देर पहले बैंक चार्जेस कहां पे रिकॉर्ड किया आपने? पासबुक। बट नियति क्या बोलती है? पासबुक ने एंट्री कर दी है तो कहां होनी चाहिए? कैश बुक। कॉमन सेंस नहीं है? अच्छा फॉर एग्जांपल तुम्हें इंटरेस्ट मिलता है तुम्हारे बैंक में? मिलता है? वाओ, तो अब मुझे बताओ इस बच्चे को बैंक ने इंटरेस्ट दिया, आंटी का फोन आया था एसबीआई से, देखो बेटा इंटरेस्ट डाल दिया चेक कर लो, आया था डायरेक्टली इसके पासबुक में आया होगा। तो अब बेटा जी पासबुक को देख के बोल रहा है कैश बुक में नॉट रिकॉर्डेड, पासबुक में रिकॉर्डेड, लेट्स एंट्री इन बीआरएस। ये डा है तुमको पर झेप रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूं? कहां रिकॉर्डेड इंटरेस्ट की एंट्री कहां हुई? पासबुक। पासबुक में रिकॉर्डेड, कैश बुक में नॉट रिकॉर्डेड। अब चलो बीआरएस में लिख, क्या फायदा उसका? अबे ये डे पासबुक में लिख दिया है सही है एंट्री, कैश बुक में कर दे। से यस, बीआरएस में क्यों दिखाएंगे? आई एम सॉरी, अभी तक जो मैंने पढ़ा है सब बकवास था। नहीं नहीं, पर वो पढ़ाना जरूरी था, और वो क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। ये मेरी गलती नहीं है, सब इंस्टीट्यूट के। इंस्टीट्यूट क्या करती है पहले बताई कि देखो सुनो, पहले बीआरएस ऐसे बनाते हैं, फिर बोलती है सुनो कि पर जो पढ़ा है वो गलत पढ़ा है, अब ये सुनो जो रियल वर्ल्ड में। तो रियल वर्ल्ड में यही होता है, रियल वर्ल्ड में हम बहुत बेयर मिनिमम आइटम बीआरएस में दिखाते हैं। जो जो आइटम की एंट्री कैश बुक में हो सकती है वो एंट्री तो हम करेंगे ना कैश बुक में। अब जैसे फॉर एग्जांपल रिसीट साइड इज अंडरकास्ट, बैलेंस इज अंडरकास्ट, तो अभी तो ये डा है क्या बैलेंस को रेक्टिफाई करना, बीआरएस में क्यों लेके आ रहा है? कॉमन सेंस नहीं है ये? देखो मैं वापिस, रिसीट साइड इज अंडरकास्ट ऑफ कैश बुक, तुम क्या बोलते बैलेंस, तुमको समझ में आ रहा? तो रेक्टिफाई करना, ये चाय फीकी है तो शक्कर डाल ले, ये क्या है कि मैंने लिख दिया चाय फीकी है क्या बोल रहे हैं यार? तो समझ में आ रहा है कि हमसे क्या गलती हो रही थी? हम ऐसी कुछ ट्रांजैक्शंस थी जो हम बीआरएस में दिखा रहे थे जिसको दिखाना ही नहीं चाहिए था, हमें उसको कैशबुक में रिकॉर्ड कर लेना चाहिए था। फॉर एग्जाम्पल किसी एक व्यक्ति से चेक आया तो मैंने क्या बोल दिया, चेक रिसीव्ड, कैशबुक का बैलेंस बढ़ गया, अब वो डिसऑनर हो गया, तो ये एंट्री करना कैशबुक में नहीं। अब जो इसको फॉर एग्जाम्पल इस गुड़िया ने मुझे चेक दिया, तुम्हारा नाम क्या पिल्लू? सिद्धि ने मुझे चेक दिया, तो मैं अभी एंट्री क्या कर दूंगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू सिद्धि, बराबर है? तो मैंने सिद्धि का अकाउंट नलीफाई कर दिया, क्लियर? सिद्धि का अकाउंट नलीफाई किया, सिद्धि को क्रेडिट कर दिया, मान लो सिद्धि से रिसीवेबल था, अब सिद्धि को क्रेडिट कर दिया। अभी सिद्धि मेरे एक वीकनेस को जानती है, सिद्धि को ये पता है कि मुझे कैशबुक बनाना नहीं आती है, मतलब अगर चेक डिसऑनर हो गया तो मैं उसकी एंट्री बीआरएस में करता हूं, तो सिद्धि क्या करेगी, मुझे एक चेक देगी, जानबूझकर उसको डिसऑनर कर देगी। हाँ, और मुझे कभी पता ही नहीं चलेगा कि सिद्धि से पैसा आना बाकी है, क्योंकि जब मुझे चेक मिला था तब मैंने एंट्री क्या करी थी, बैंक टू सिद्धि, सिद्धि का अकाउंट नलीफाइड,
अब चेक डिसऑनर हो गया तो ये रिवर्स करना, तेरे बुक्स में भी एंट्री है, बराबर है क्या नहीं है? Why are we going to show it in BRS? BRS is not accounting. Say yes. Yes. So, मेरा खरबूजा आज एक बात समझेगा कि BRS जो अभी तक पढ़ा है वो पूर्णतः सत्य नहीं है. अब सत्य यहां से शुरू है. सर सो सुनो ना, ए मच मच मत करो बे, ऐसे ही पढ़ते हैं नलायको. अभी तुमको पंख निकल रहे बाहर, पहले दिन पढ़ाता था ना ऐसा छोटा सा मुंह बनाकर देखते थे मेरे को, इसलिए अभी पढ़ा रहा हूं. चुपचाप देखो अभी, इधर कोई सी कमी नहीं हो जाती ना बच्चे. मैं आपसे ये बता रहा हूं कि ऐसी एक ट्रांजैक्शन, राइट ट्रांजैक्शन, इन द ब्रैकेट मैंने लिखा करेक्ट, प्लीज फोकस करो, कैश बुक में हो गई, पासबुक में नहीं हुई. ये उस दिन किस बच्चे के पास पासबुक थी रे? अभी नहीं होगी रे, उस दिन थी ना तेरे पास. खड़ा हो जा बेटा. मैं बोल रहा हूं एक एंट्री कैश बुक में हो गई, पासबुक में नहीं हुई. मैं पहला प्रश्न इससे पूछ रहा हूं, क्या ये पासबुक में खुद एंट्री कर सकता है क्या? ठीक है, ये बैंक में जाके आंटी को बोल सकता है कि आंटी उठो आपने एंट्री नहीं करी, मैं करता हूं. इसको चुपचाप बैठा रहना पड़ेगा. मतलब ये जेन्यून डिफरेंस है, एंट्री कैश बुक में हुई है, पासबुक में नहीं हुई है. बैठ बे. तो हम क्या करेंगे, इसको बीआरएस में दिखाएंगे. कहां दिखाएंगे? बीआरएस. तो एक बार बताओ मुझे कौन सी एंट्री बेटा, एंट्री कहां हो गई बेटा? मजा नहीं आया. कहां नहीं हुई? तो बेटा जी क्या हम पासबुक में जाके एंट्री कर सकते हैं क्या? नहीं. हमारे हाथ में कैश बुक होती है कि पासबुक होती है? इसीलिए मजबूरन इस आइटम को बीआरएस में दिखाना पड़ेगा कि ये डिफरेंस है. क्लियर? नेक्स्ट, ट्रांजैक्शन करेक्ट है, कहां हो गई है? पासबुक में हो गई है, कैश बुक में नहीं हुई. तो इसको क्या करेंगे? इसको क्या करेंगे? इसको कैश बुक में करेंगे. तो उस कैश बुक का नाम आएगा एडजस्टेड कैश बुक. से यस और नो? आर यू श्योर? नाउ माय डियर फ्रेंड, ट्रांजैक्शन हुई, गलत है, रॉन्ग हो गई. जैसे अंडरकास्टिंग, ओवरकास्टिंग, जैसे डेबिट बिकेम क्रेडिट, क्रेडिट बिकेम डेबिट, अमाउंट लिखनी थी 4000, लिख दी 400, ये एरर है, एरर इन कैश बुक, कैश बुक में एरर हुआ. अब बेटा पासबुक में वो एरर नहीं हो सकता, तो इसको रेक्टिफाई करेंगे या इसको बीआरएस में दिखाएंगे? कॉमन सेंस है. सो बेटा जी ये जाएगा एडजस्टेड कैश बुक. कैश बुक को रेक्टिफाई करना पड़ेगा ना. और रसगुल्ले बच्चों, ट्रांजैक्शन हुई रॉन्ग, कहां हो गई? पासबुक में हो गई. तो बेटा जी अब मुझे बताओ, क्या जो बैंक ने गलती करी है वो हम कैशबुक में भी कर देंगे? जैसे फॉर एग्जांपल तू है, तेरे पापा है, बैंक ने गलती से तुम्हारे अकाउंट में से 5000 रुपए गायब कर दिए. तू पापा को जाके बोल रहा है, पापा चलो कैश बुक में भी एंट्री कर देते. पापा ने, एजुकेटेड नहीं है पापा, सीए भी नहीं कर रहे, बट पापा ने इसको धोया है. क्योंकि बेटा जी बैंक ने गलती करी तो बैंक में जाके बूम्बा बूम करने का, इधर एंट्री नहीं करने की, समझे क्या? नहीं तो कैशबुक में एंट्री हो गया तो नलीफाई हो गई ट्रांजेक्शन की, पासबुक में भी हो गई, कैशबुक में भी हो गई. ऐसा नहीं करते. बैंक से गलती हुई, बैंक ने तुम्हारे खाते में गलती से 1 करोड़ रुपए डाल दिए, हौरट नहीं बनने का, भिखारी नहीं बनने का, गलती से डाले है, तो उसकी एंट्री कैशबुक में नहीं कर देने की, कहां दिखाने की? बीआरएस. से यस. एंट्री उठो, मैं एंट्री करूंगा पासबुक में. बेस्ट है बेटा, ये लिख कर ले लो बेटा जी, एडजस्टेड कैशबुक. हेडिंग क्या आएगी? एडजस्टेड कैशबुक. शरदला पाठव, कोणाला तरी पाठव. हा हा बेस्ट है, आई लव यू. सर अमाउंट के 2 कॉलम बना सकते हो क्या? बना सकते हो, बट इट विल हार्डली मेक अ डिफरेंस इन सीए. सीए में इट विल हार्डली मेक अ डिफरेंस. प्रेजेंटेशन मैटर्स, बट एज लॉन्ग एज यू आर गिविंग द करेक्ट आंसर इट विल हार्डली मैटर. ओके,
तैयबा बेटा मैं बताता हूं अभी, नूपुर एक थोड़ी सी देर रुक बेटा, क्वेश्चन देखने दे मुझे, फिर मैं आपको बताता हूं क्या होगा। ऑनलाइन में बहुत फेमस है। आज आपको एक चीज बताता हूं, देखो आप फेस टू फेस होते हो है ना, ऑनलाइन वाले थोड़े से रहते हैं अड़चन में, उनको एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा सा पेशेंस दिखाना पड़ता है। अब ऐसे कैसे उनको बोल दूं कि नहीं करेंगे, बात तो कम से कम ठीक से कर लूं जब तक मुझे मुमकिन है। हाँ कई बार मेरे भी नर्व्स पर आ जाता है ऐसा, कभी कभी है ना बहुत ही फालतू डाउट पूछते हैं, बट फिर प्रेम से तो बात करनी पड़ती है, नहीं तो फिर क्या है, उसके लिए वो एक्सपीरियंस बन जाता है बच्चे के लिए। तो आई शुड कीप द एक्सपीरियंस एटलीस्ट प्लेजेंट, ऐसा मेरा मानना है। जो एरर कैश बुक में हुआ है उसको रेक्टिफाई करके बीआरएस में लिखेंगे। फिर बीआरएस में क्यों लिखना है बेटा, रेक्टिफाई हो गया ना। सर 100 रुपये आपने इनाम वाले नहीं दिए, बट कौन से 100 रुपये, मुझे किसी ने बताया नहीं, आजू बाजू वालों ने किसी ने भी नहीं बताया। सर आज चंपा को कॉल नहीं आया, रुक रहे करते अभी। सो बेटा जी क्वेश्चन नंबर 30 वी आर गोइंग टू डील इट अगेन। अब इसको डील करने का तरीका कैसे है मैं तुमको बता देता हूं। तो पहले रूल लिख लो, प्रिपेयर ए पागल, प्रिपेयर एडजस्टेड कैश बुक। क्या बोला पिल्लू, प्रिपेयर एडजस्टेड कैश बुक। क्या बोला बे, प्रिपेयर एडजस्टेड कैश बुक ओनली व्हेन यू आर गिवन विथ कैश बुक बैलेंस। प्रिपेयर एडजस्टेड कैश बुक ओनली व्हेन यू आर गिवन विथ व्हाट माय डियर स्टूडेंट्स, कैश बुक बैलेंस। इसका मीनिंग समझना बेटा, पासबुक को आप चेंज नहीं कर सकते हो, और जिसको भी चेंज कराना है उस बच्चे को बुला लो, वो अगर चेंज कर दे तो मैं मान लू, और अगर नहीं तो तुमको थोड़ा सा और एक टास्क देता हूं, घर में अपने पापा के पास जाइए और बोलिए पासबुक दीजिए और उसमें एंट्री कर दीजिए, तो आपको अपने आप पता चल जाएगा, मुझे सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप पासबुक में एंट्री कर सकते हो क्या, आपकी औकात कैश बुक तक है, तो बेटा जी कैश बुक में एंट्री कर सकते हैं। पासबुक को कैसे चेंज करेंगे, पासबुक को कौन चेंज करेगी, आंटी। पासबुक को कौन चेंज करेगी भाई, बैंक के आंटी, हम नहीं चेंज कर सकते। पॉइंट क्लियर है क्या, ठीक है। अब सुन लो बेटा मेरी बात, क्वेश्चन नंबर 30 दोबारा एक बार, आई वॉन्ट यू ऑल टू ब्रीद इन अगेन। बेटा मुझे बताओ कौन सा बैलेंस दिया हुआ है, प्लीज फोकस दैट कि तुम्हारी आत्मा मेरे अंदर ना है, नहीं तो मैं तुम्हारे जैसा हो जाऊंगा। कौन सा बैलेंस दिया हुआ है, बेटर बैंक चार्जेस डेबिटेड इन द बैंक। सोचो एंट्री कहां हो गई है, सोचो एंट्री कहां हो गई है, क्या एंट्री सही है, बैंक चार्जेस तो लगते हैं, क्या इसको बीआरएस में दिखाना चाहिए कि कैश बुक में, तो मैं लाल अक्षरों में लिख रहा हूं एडजस्टेड कैश बुक रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स वाया आरटीजीएस, रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स वाया आरटीजीएस। मुझे बताओ इसकी एंट्री कहां हो गई है बेटा जी, बीआरएस में जाना चाहिए या एडजस्टेड कैश बुक, मतलब डेटर्स से मतलब कस्टमर से पैसा आ गया तो कैश बुक में एंट्री करनी पड़ेगी ना। सो बेटा जी इसका भी क्या लिखेंगे, एडजस्टेड कैश बुक। ब्रीद इन चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, कैन आई आस्क माई इंटेलिजेंट क्लास अगेन, कहां एंट्री हो गई है, कैश बुक में हो गई है, कहां एंट्री करनी चाहिए। तो बेटा हम आंटी को उठा सकते हैं, हाँ तुम्हें ताकत होगी बट उठाने का नहीं, तो ये एंट्री कहां होगी, बीआरएस। हैप्पी, गो एड नेक्स्ट। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर, पूछो अपने दिल से कहां एंट्री हो गई है,
कैश बुक में हो गई तो कहां जाएगा ये? बराबर ना, चेक इश्यूड बट डिसऑनर्ड कहां हो गई है एंट्री? तुमको नहीं पता, चेक इश्यूड एंड डिसऑनर्ड कहां, रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड बट डिसऑनर्ड एंट्री कहां हुई है? कहां नहीं हुई है? क्या ये एंट्री पासबुक ने सही करी होगी डिसऑनर की? तो अब क्या करना चाहिए हमें? एडजस्टेड कैश बुक। बेटा इंस्ट्रक्शन गिवन टू द बैंक ब्रिदेन, एंट्री कहां हुई है पहले? कैश बुक। कहां होनी चाहिए? तो बेटा जी बीआरएस या एडजस्टेड कैश बुक, तो ये लिखा बीआरएस। अप्रिशिएट दिस। नाउ आई विल नाउ से एडजस्टेड कैश बुक, मेक द एंट्री, मेक दिस एडजस्टेड कैश बुक। शेट यार, डेबिट साइड कौन सी साइड होती है? जस्ट फॉरगॉट। क्रेडिट साइड पक्का? तो मैं लिखेगा रिसीट एंड क्रेडिट साइड आई विल राइट डाउन पेमेंट। तू शायर है मैं तेरी शायरी। आर वी रेडी? सो रसगुल्लो बच्चों मुझे बताओ कौन सा बैलेंस है फेवरेबल है? सो कैन आई राइट डाउन टू बैलेंस ब्रॉट डाउन? कितना लिखू पिल्लू? 1,98,000। वेरी गुड। ये रसगुल्ले करना जल्दी से, और दोनों के बीच में एक सेल है क्या? दोनों के टूथब्रश भी एक ही होगा? जानता भी नहीं तो भी उसका टूथब्रश यूज कर लेता है। गलीच लोग है एकदम। लिख दिया बिल्लू? कभी कभी मेरे क्लास में ऐसा होता है कि मैं इंसल्ट करता हूं ना तो भी उसको एकदम अच्छा लगता है, सर मजा आ रहा है और करो। 1,98,000 लिख दिया क्या टिल्लू? आप रसगुल्ले बच्चों अगला बताओ मुझे क्या करेंगे। बेटा फर्स्ट ट्रांजेक्शन आपने पढ़ी, उसके बाद में बैंक चार्जेस। आपसे प्रश्न ये है ये कैश बुक में जाएगा कि बीआरएस? तो आप कैश बुक जैसे बनाते हैं वैसे ही बनाना है। बैंक चार्जेस रिसीट में आएगा कि पेमेंट में? सो हम पेमेंट साइड में लिख दे बाय बैंक चार्जेस। बोलो टिल्लू कितना है? 34,000। गो अहेड पिल्लू। रिसीव फ्रॉम डेटर्स ऐसा बोला है ना? बेटा ये रिसीट है कि पेमेंट है? ये रिसीट साइड में लिखू पेमेंट साइड में? तो हम क्या लिखेंगे? टू डेटर्स कितना बोल रही टिल्लू? कितना प्यारा बच्चा है, 1,00,000। नाउ डियर स्टूडेंट्स, थर्ड वाला तो बीआरएस में, फोर्थ वाला भी बीआरएस में। चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड बट डिसऑनर्ड। बेटा डिसऑनर के लिए मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि चेक जब मिला होगा तब कहां मिला लिखा होगा हमने? रिसीट। अब डिसऑनर होगा तब कहां लिखेंगे? पेमेंट। सिंपल है ना, उल्टा कर देना है। तो वापस से पूछ रहा हूं, चेक मिला था तब कहां लिखा था? रिसीट। अब डिसऑनर हुआ तो कहां लिखूंगा? सो बेटा क्या लिखूंगा मैं? बाय डेटर्स चेक डिसऑनर्ड। कितना है बेटा जी? 5,000। अब बेटा जी बैलेंस निकालो कितना है? 1,98,000 प्लस 1,00,000 माइनस 34,000 माइनस 5,000। डज दैट टैली विथ मी? बाय बैलेंस कैरिड डाउन 2,59,000। बुरा नहीं मानो तो क्वेश्चन पूछूं, प्रभु मेरे को बचा लेना। ये 2,59,000 डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट है? डेबिट है कि क्रेडिट है? क्रेडिट वाला कौन था मुझे एक बार हाथ बता दो प्लीज, फेल हो जाएगा, मैं मजाक नहीं बता रहा हूं। जो जो क्रेडिट बोले थे हाथ ऊपर कर लो, मैं कुछ नहीं चिल्लाऊंगा, कुछ नहीं करूंगा। कमी ने तू कल भी था, तू भी था क्या? और इधर कौन था क्रेडिट बोलने वाला? तू भी थी क्या? तू इधर नाक को हाथ क्या लगा रही है? हाथ ऊपर करने का व्यवस्थित गधेड़ी। अरे गधेड़ो बैलेंस तो सीख लो कम से कम।
बाद में नहीं, पहले देखा कर, बाद में देखेगा ना किसी और के साथ शादी होगी। 2,59,000 यहां तक बात क्लियर हो गई क्या पिल्लू? अब बेटा जी हम क्या लिखेंगे, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। आई विल राइट डाउन, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट हम लिखेंगे एज ऑन 31st December 2020, एंड आई विल राइट डाउन बैलेंस एज पर, एज पर पासबुक। बेटा जी अमाउंट, ए पासबुक नहीं रे बाबा, कैशबुक अंडा है येड़ा लाएगा डोसू ना लाएगा, कैशबुक अंडा बोले तो मैं, मेरे दोस्त मुझे अंडा बुलाते हैं। 1,98,000, 1,00,000 ये पागल अंडिया, 2,59,000। ये सुनो ना सर, हमारी कैशबुक तो चेंज हो गई ना, तो अब हम जो कैशबुक का बैलेंस दिया वो नहीं ले सकते, हमें कौन सा लेना पड़ेगा, जो रिवाइज बैलेंस है वो लेना पड़ेगा। वो साले डेबिट क्रेडिट के चक्कर में बताना भूल गया था, ये 259 लेंगे। और यहां से अभी कार्यक्रम चालू होगा। बेटा मुझे बताओ पहला वाला एंट्री एडजस्टेड कैशबुक में हो गया था क्या? अच्छा बच्चे लिख रहे हैं अभी, पहला वाला एंट्री एडजस्टेड कैशबुक में हो गया क्या, चेक करो। तो इसको लेंगे या नहीं लेंगे? रिसीव फ्रॉम डेटर्स हो गया है कि नहीं हुआ है? लेंगे या नहीं लेंगे? चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड, लो इक्वल एक बार वापिस। सर वापिस करना पड़ेगा क्या? यस, क्योंकि एग्जाम में तो आपने नहीं किया रहेगा ना, एग्जाम में तो बैलेंस निकालने के बाद नहीं करोगे, इसलिए मैं दोबारा करा रहा हूं। इक्वल लो, सो चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड, कहां एंट्री हो गई? ये कम हो गया, कौन सा बैलेंस पता नहीं, फ्रीज ऐड। तो बेटा जी ऐड बोल दूं, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर व्हाट, फॉर पेमेंट, अमाउंट बताओ 45,000, वेरी गुड, गो टू द नेक्स्ट पॉइंट। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, बताओ कहां एंट्री होगी? बीआरएस, लो इक्वल, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, कहां पर एंट्री होगी? सो कैशबुक बढ़ गई, कौन सा बैलेंस पता नहीं है, फ्रीज लेस। सो मैं लिखूंगा चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर, बोलो अमाउंट 25,000। पिल्लू मुझे एक बात बता, ये चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड बट डिसऑनर्ड, इसकी एंट्री कर दी क्या हमने कैशबुक में? कर दी क्या? तो ये वापस आएगा बीआरएस में? अगला वाला आइटम देखो, इंस्ट्रक्शन फॉर पेमेंट गिवन टू द बैंक 4,000 बट द सेम वॉज इफेक्टेड बाई द बैंक ऑन 1st January। तो बेटा जी इंस्ट्रक्शन इज गिवन, तो कैशबुक में एंट्री हो गई है, कहां एंट्री नहीं हुई है? So, मुझे बताओ बीआरएस में आएगा क्या एंट्री? पासबुक में देख कब एंट्री हुई है, तो ये एंट्री बीआरएस में आएगी ना, क्योंकि कैशबुक में एंट्री हो चुकी है सर, और सही है, पासबुक में नहीं हुई तो हम आंटी को नहीं उठा सकते, जिम जाना पड़ेगा। अभी क्लियर है? वापिस से बताऊं, क्या हम इसकी एंट्री पासबुक में कर सकते हैं? नहीं। कैशबुक में एंट्री हो चुकी है, यस yes. मेरे हाथ में जो है वो कैशबुक है, तो उसमें तो एंट्री हम नहीं कर सकते, तो ये कहां जाएगा? बीआरएस, लो इक्वल। अब मुझे बताओ पेमेंट की एंट्री हुई, कहां एंट्री हो गई? कैशबुक में, कौन सा बैलेंस पता नहीं, फ्रीज ऐड। कितना अमाउंट आएगा बेटा जी? 4,000 बेटा, क्या पिछली बार भी यही आंसर आया था? तो आंसर दोनों से वही आता है, बट मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड इज दिस, ओके 283 आया था ना? ये बेटा सुन लो ना जाते जाते, अगर एग्जाम में
बेटा प्लीज सुना अभी कान खोलकर, अगर एग्जाम में कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है इसका मतलब यह है कि एडजस्टेड कैश बुक बन सकती है। तो अगर एग्जामिनर ना भी बोले एडजस्टेड कैश बुक बनाने के लिए, तो आप एडजस्टेड कैश बुक बनाकर फिर बीआरएस बनाएंगे, राइट? कौन सा बैलेंस दिया हुआ है? कैश बुक। मतलब अगर स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है तो आप क्या बनाओगे? एडजस्टेड कैश बुक। स्टार्टिंग ओडी रहने दे या कोई भी, कैश बुक का बैलेंस दिया है। तो आई एम सेइंग इन एग्जाम्स इफ कैश बुक बैलेंस और ओडी इज गिवन, प्रिपेयर एडजस्टेड कैश बुक। प्रिपेयर व्हाट? एडजस्टेड कैश बुक। बेटा कुछ क्वेश्चन होमवर्क ले जाओ। क्वेश्चन नंबर 25, पेज नंबर है बेटा 36, क्वेश्चन 25 36। क्या है ऋषभ बोल ना, मुझे समझ भी नहीं आ रहा क्या बोल रहा है। क्वेश्चन 25 पेज 36। अरे मेरी बात सुन भाई, आरजे क्या नाम राज सिंह, भगवान के लिए प्लीज पढ़ाई कर ले। और कल मैंने संप्लूच कंप्लीट करा दिया था, प्लीज पढ़ाई कर ले तू। और दिन भर है ना इधर यूट्यूब पर मुंह मारता मत फिर अभी, प्लीज पढ़ाई कर बेटा। और एक क्वेश्चन है ले लीजिए मेरी तरफ से, क्वेश्चन नंबर 22। अच्छा 22 आएगा नहीं आपको, बट कोशिश करना और कल हम सारे होमवर्क क्वेश्चन देखेंगे। एक काम करो, अभी मेरा दिल डोल गया, 23 भी ले लो। अच्छा दो मिनट आज रुकना पड़ेगा सभी को, ऑनलाइन वाले बच्चों भी मेरी बात ध्यान से सुनो। ये होमवर्क लिख लिया बेटू, एक कोई एक बार ग्रुप में होमवर्क भेज दिया करेगा क्या? जिसका जो भी होमवर्क दिया ना वो डाल देना। अच्छा मेरी बात जल्दी जल्दी से सुन लो, दोज किड्स हु हैव जॉइंड न्यू, you are going to wait after the class. Those who are going to become the buddies of them, they are also going to wait in the class. I'll explain you what I'm going to do. Baki ke log, aap ja sakte ho, but dhyan rahe, jo bachche naye aaye hai, un bachcho ko cooperate karne ki zimmedari tumhari hai. Baat samaj aa rahi hai? Mujhe ek bhi complaint nahi chahiye. Shuruaat ke kuch dino mein jo bhi help chahiye, sabhi log miljul ke help karenge. Is that okay? Ek complaint nahi aani chahiye mujhe. Chalo, jo jo bachche khana khane jana chahte, jao. धीरे से जा, दो मिनट रुका, क्वेरी नहीं, मैं आज आई एम हैंडलिंग न्यू स्टूडेंट्स, आज नहीं, वेट, जस्ट वेट देयर, आई विल सेटल। ये जो जो नए बच्चे हैं और जो जो बड़ी बन रहे, प्लीज रुको, बाकी के लोग क्लास छोड़ के जाओ जल्दी से, क्विक। नहीं अभी नहीं, अभी नहीं, डाउट नहीं। ताईंनो तुम्ही थांबलात तर थांबा, मला कळू तर द्या कोण थांबलेत म्हणून। ओके व्हेरी गुड। अभी मैं क्या बोल रहा हूं, पहले न्यू स्टूडेंट्स जो भी है, एक चीज समझो, इस बार क्या हुआ है कि आपका अटेम्प्ट प्रीपोन हुआ है फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री, फ्रॉम द टाइम आई एम टीचिंग, फॉर द फर्स्ट टाइम द अटेम्प्ट हैज गॉट प्रीपोन्ड। मतलब सितंबर में अटेम्प्ट है। अगर मान लो आपका अटेम्प्ट दिसंबर में, तो आपको कोई चिंता का विषय नहीं है क्योंकि ये कंप्लीट हो जाएगा फिर।
बट मैं टारगेट जो रख रहा हूँ, वी आर टारगेटिंग सितंबर, इन स्पाइट दैट यू आर कमिंग फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड, इट जस्ट दैट यू विल हैव टू स्लॉग अ लिटिल मोर, बट देन वी हैव अ प्लान थ्रू विच विल बी एबल टू डू इट. अब तू साइंस बैकग्राउंड की थी? नहीं, बट देयर एनीवन हु इज देयर फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड यार, पहले था और हाँ, बट तेरे को आ रहा है अभी? मतलब आर यू श्योर कि तेरे को आ रहा है कि तू झूठ बोल रही इसको मन रखने के लिए? तो अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये भी साइंस बैकग्राउंड से थे और इनको आ रहा है तो आ जाएगा. आज आपका डे वन था और मेरे पास इतना बैंडविथ नहीं था कि मैं आज और स्लो हो जाऊं, क्योंकि मुझे सिलेबस को भी आगे लेके जाना था, इसीलिए मैं रुका नहीं. अदरवाइज आई वुड हैव टॉट समथिंग एल्स जिससे आप भी फ्लो में आ जाते, बट हम अभी भी फ्लो में आ जाएंगे. तो आपने क्या करना है कि आपको कुछ बडीज दूंगा मैं, एंड यू हैव टू एवरी डे ट्राई एंड अंडरस्टैंड लिटिल बिट. साइंस बैकग्राउंड के बच्चे जो नए जुड़े हुए हैं, यू हैव टू, कितने बच्चे अभी साइंस के? एक नहीं भाई, तू पुराना वाला नहीं, तेरे को तो आ रहा है ना ये नया? नया कौन सा? एक और कौन है? दो और तीन. तो तीनों लोगों ने तुमने क्या करना है, यू हैव टू स्पेंड एन आर और सो एवरी डे विथ मी, एंड देन आई विल बी एबल टू हेल्प यू आउट कि हाउ टू प्रोसीड अहेड. इज दैट ओके? सो आपको मेरे क्वेरीज भी मेरे साथ बात करनी पड़ेगी, बट वी हैव टू हैव अ वन टू वन सेशन. ये सेशन मैं यूट्यूब पर नहीं ले पाऊंगा, मैं जब फ्री रहूंगा तब आपको मेरे ऑफिस में आना है, एंड एट दैट टाइम यू हैव टू डू इट अलॉन्ग विथ मी. इज दैट ओके? तो अगर हुआ तो उसमें एक आध लेक्चर कोई मिस होगा दूसरे सिलेबस का, सब्जेक्ट का, बट वो मिस करके भी आपको आना पड़ेगा तीन से चार दिन तक, तब फिर मैं आपको लाइन पर ले आऊंगा. वो कैसे लेके आना वो मेरा लुकआउट है. बाकी का फिर मैं आपको कोई स्टूडेंट दूंगा जो आपको हेल्प भी करेंगे, एंड दिल कीप ऑन गिविंग मी द फीडबैक, बट यू विल हैव टू हैव अ पेशेंस फॉर एटलीस्ट वन मंथ, चीज़ें हो जाएगी. और बाकी के बच्चे, आप जो नए आए हो, आपको ऐसा नहीं लगा होगा कि ध्यान में नहीं आ रहा है, क्लिक हो रही है चीज़ें, कैशबुक जैसे थोड़ा बहुत क्लिक हुआ होगा, या पूरा ही ब्लैंक जा रहा था, और कौन कौन थे? तो आप एक दो तीन दिन और रुकेंगे, फिर उसके बाद में आप लाइन पर आ जाएंगे. एक ये टॉपिक खत्म हो जाने दो, फिर उसके बाद में चीजें विल बी नॉर्मल. अभी जैसे ये टॉपिक अगले दो दिन में खत्म हो जाएगा. इज दैट ओके? टुडे वी टॉट अबाउट द लास्ट कॉन्सेप्ट इन दिस टॉपिक, तो ये चीज हो जाएगी उसके बाद में, ठीक है? ऑलराइट, कल से जो साइंस बैकग्राउंड के बच्चे अगर नहीं भी बैठते हो लेक्चर में तो चलेगा, आज मेरे ऑफिस में आ जाना. मेरा ऑफिस सेकेंड फ्लोर पर है, ऑफिस नंबर 66. कौन सा ऑफिस नंबर है? 66. तो मैं आपको कुछ बेसिक लेक्चर दूंगा, ये लेक्चर आपने देखने हैं. इज दैट ओके? साइंस बैकग्राउंड कितना? एक दो तीन. तो मैं कुछ बेसिक लेक्चर दूंगा आपको, वो देखना है. तो मतलब क्या कि तीन दिन मेरे क्लास में मत बैठो आप, तीन दिन वो लेक्चर करो जब तक ये टॉपिक चल रहा है, सो दैट आपका फ्लो भी आगे बढ़ते रहेगा. एंड वेन वी डिवोट वन आवर एवरी डे, एट दैट टाइम आई विल कीप ऑन आस्किंग यू कि इसमें क्या देखा और क्या समझ में आया, ठीक है? सो हैव यू अंडरस्टूड द प्रोसेस? और जो बच्चे ये कौन है अभी नए जुड़े हैं, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं. क्यों? ये चैप्टर जैसे ही खत्म हुआ, थिंग्स विल बी ऑल ओके. अभी गर्ल्स में जो जो नए बच्चे जुड़े हैं, यू कैन मेक फ्रेंडशिप विद सम ऑफ देम. मैं फ्रेंड नहीं बनाऊंगा, तुम तुम्हारे हिसाब से देख लो, तुम फ्रेंड बन जाओ, बॉयज में तुम भी फ्रेंड्स बन जाओ, और एक दूसरे की हेल्प करना शुरू करो. और अगर उनसे कोई प्रॉब्लम आए तो लेट मी नो. तो कल कौन कौन किसको किसको हेल्प कर रहा है मुझे बता देना, ठीक है? आज बन जाना. या टेक केयर ऑफ. ओके, चलो प्रेम से बाय बाय बोलो. बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़, लव यू लॉट.